नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल पैट के इस विजेता बैच में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का यह तीसरा वीडियो है। इससे पहले के दो वीडियो में हम लोगों ने इसके कुल 11 प्रकार के प्रश्नों को हल किया। आज हम लोग 10 और प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे और साथ साथ आज आपको घर से करने के लिए 10 प्रश्न दिए जाएंगे जो इस वीडियो के अंत में आपको मिलेंगे, और आप उनको हल करके वीडियो का जो कमेंट बॉक्स होगा उसमें आप उसका उत्तर दे सकते हैं। और साथ साथ यदि आपको कोई दिक्कत हो गई तो उन प्रश्नों को कल हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के प्रश्न को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि दो वस्तुओं को 500-500 रुपए में खरीदा गया, ठीक है। कल जो प्रश्न हम लोगों ने किया था वो विक्रय मूल्य पे किया था, ठीक है। ये क्रय मूल्य पे आज के प्रश्न है। तो दो वस्तुओं को 500-500 रुपए में खरीदा गया, एक को 40% लाभ पर बेचा गया, एक को क्या किया गया 40% लाभ पर बेचा गया तथा दूसरे को 10% हानि पर बेच दिया जाता है। ज्ञात कीजिए पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी, ठीक है। इसको हल करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि जैसा प्रश्न में कहा जाए आप वैसे करते जाइए। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया है, ठीक है। कितने कितने का वस्तु खरीदी गई थी, CP1 दिया है, ठीक है। CP मतलब क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस। CP1 दिया है 500 रुपये और इसको बेचा गया है 50% लाभ पर। लाभ प्रतिशत बराबर दिया है, नहीं 40% लाभ पर इसको बेच दिया गया, ठीक है। दूसरी जो वस्तु है CP2, उसका जो क्रय मूल्य है वो भी 500 रुपये है और इसको जो बेचा गया यल प्रतिशत हानि प्रतिशत है 10% की हानि पर बेच दिया गया, ठीक है। जैसा प्रश्न में कहा वैसे हम लोगों ने लिख दिया। अब क्या कह रहा है कि बताइए पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई। तो सबसे पहले ये निकाल लें, अब ये वस्तुएं 40% लाभ और 10% हानि पर बेचने के बाद कितने कितने रुपए में बिकी, अर्थात सेलिंग प्राइस निकाल लें। तो सेलिंग प्राइस इसका हो जाएगा SP1 हो जाएगा हमारा 500 × 140, क्योंकि 40% के लाभ पे बेचा जा रहा है तो 140 से गुणा करेंगे बटा 100। इसको हल करेंगे, ठीक है, दो जीरो कट जाएंगे, 0 × 14 × 5 = 70, मतलब 700 रुपये हो गया ये पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस, ठीक है। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया 700 रुपये। दूसरी वस्तु का अगर विक्रय मूल्य निकालेंगे तो SP2 अगर हम निकाल रहे हैं तो SP2 बराबर हो जाएगा 500, 10% की हान पे बेचा जा रहा है तो 100 से 10 घटा देंगे 90/100। इसको हल करेंगे, 0 से 0 कट जाएंगे दोनों, और 9 × 5 = 45, ठीक है, 450 रुपये आ गया हमारा, क्या ये आया SP2। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, SP1 SP2 जोड़ के ये पता कर लेंगे दोनों वस्तुएं कितने में बिकी हैं, ठीक है। SP1 प्लस SP2 करेंगे तो 700 + 450, ठीक। इसको जोड़ने के बाद हमारा आ जाएगा 0, 5 और 7, 4, 11, मतलब वस्तुएं बिकी कितनी 1150 रुपये में बिकी। ये क्या है, दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस। और दोनों वस्तुएं खरीदी कितनी में गई थी तो उसके लिए CP1 कर लेंगे प्लस CP2 कर लेंगे, बराबर आ जाएगा 500 + 500 बराबर हो जाएगा हमारा 1000 रुपये। इतना क्या है, दोनों वस्तुओं का CP। अब लाभ कितना होगा, P बराबर होता है हमारा SP - CP। SP हमारा है 1150 रुपये, इससे घटा देंगे हम 1000 रुपये, हमारा आ जाएगा 150 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है। 150 रुपये का लाभ हुआ, यह 150 रुपये का लाभ कितने पे हुआ है, हमारा जो CP 1000 पे हुआ है। तो लाभ प्रतिशत अगर निकालेंगे, लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा P/CP × 100, ठीक। P का मान रखेंगे 150, CP का मान रखेंगे 1000, गुणे कर देंगे 100। इसको जब हम हल करेंगे दोनों जीरो इससे कट जाएंगे, एक जीरो इससे कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 15% का लाभ, क्योंकि आंसर प्लस में आ रहा है तो लाभ ही होगा, तो 15% का लाभ। ये एक तरीका है जो काफी लंबा में था, ठीक है।
लेकिन एग्जाम में हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, इसको हल करने के लिए साधारण सा तरीका है, हम उसी को अपनाएंगे, उसके बाद ये हमारा प्रश्न हल हो जाएगा। ठीक है, उस तरीके पे आते हैं। जैसे यदि आपको प्रश्न में दिया जाए कि दो वस्तुओं का क्या है क्रय मूल्य समान है, 500 रुपये है, 700 रुपये, जो कुछ भी आपको दिया हो, और एक को कुछ प्रतिशत के लाभ पे बेचा जाए, दूसरे को कुछ प्रतिशत की हानि पर बेचा जाए, और पूछा जाए कि पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ है, कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। ठीक है, कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी, ये अगर आपको लाभ और हानि प्रतिशत पूछा जाए, इसके लिए क्या कर देना है, हमें प्रॉफिट प्रतिशत लिख देना है। ठीक है, प्रॉफिट प्रतिशत प्लस जो हानि होता है वो क्या होता है, माइनस में होता है, तो माइनस एल, ठीक, अपान दो कर देना। ठीक, अपान दो, प्रतिशत का निशान लगा देना है। इसी फार्मूले पे जब हम रखेंगे तो हमारा प्रश्न हो जाएगा। प्रॉफिट कितना है, 40 रखेंगे, प्लस कर देंगे, हानि कितना है 10, तो माइनस का 10 रखेंगे, बटा दो कर देंगे, 40, ये प्लस है तो ब्रेकेट खुलेगा, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 40 माइनस 10 बटा हो जाएगा 2, प्रतिशत यहाँ पे, प्रतिशत यहाँ पे लगाएंगे, और 30 बटा 2, इसको जब काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 15%। ठीक है, तो ये 10 सेकंड का प्रश्न है। ठीक है, यदि हम इस फार्मूले पे लगाते हैं, तो यदि आपको प्रश्न कहा जाए कि दो वस्तुओं को समान रेट में समान दाम में खरीदा गया है, एक पर कुछ प्रतिशत मतलब पी प्रतिशत का लाभ हो रहा है, दूसरे पे यल प्रतिशत की हानि हो रही है, तो पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई, उसके लिए हमारा फार्मूला होगा लाभ या हानि बराबर पी प्लस ब्रैकेट में माइनस एल, ठीक, अपान 2%। ठीक है, या अगर आप समझदार हैं, ठीक है, आपको प्रैक्टिस आपकी हो गई है, तो आप सीधे P माइनस L बाई 2 करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये वास्तव में लिखना यही था, लेकिन कभी कभी गलती हो जाती है, इसलिए इसका बड़ा फार्मूला लिखा गया। ठीक, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दो वस्तुओं को 800 रुपये में खरीदा जाता है। अब वस्तु को क्या किया गया, यहाँ भी वस्तु खरीदी गई, दोनों का दाम समान है, एक को 40% लाभ पर बेच दिया गया। ठीक है, एक वस्तु को 40% लाभ पे बेचा गया, दूसरी वस्तु को 40% हानि पे बेची गई, पूछ रहा पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत की लाभ या हानि। तो इस प्रकार के प्रश्न में ना तो कोई लाभ होता है ना तो कोई हानि होती है। ठीक है, इसका उत्तर होता है कि इस व्यापार में कोई लाभ या हानि नहीं होगी। ठीक है, कोई लाभ या हानि नहीं होगी। तो इसको समझने के लिए कर लेते हैं, जैसे मान लेते कोई वस्तु हमारी थी 100 रुपये की, 100 रुपये की वस्तु थी, इस पर क्या हुआ 40% का लाभ हुआ। ठीक है, प्लस 40% कर दिया, तो ये कितनी बिकेगी, 140 रुपये की बिक जाएगी। दूसरी भी वस्तु हमारी कितनी थी, 100 रुपये की थी, इस पर क्या हुआ 40% का हानि हुआ, माइनस 40 हो जाएगा। इसको जब माइनस 40 करेंगे तो 40 घटा देंगे 100 से, मतलब 60 रुपये की बिकी दोनों। ये क्या है, दोनों का CP, ये है क्या CP1 है, ये क्या CP2 है, दोनों का मिला देंगे CP हमारा कितना आ जाएगा 200 रुपये। ठीक, ये क्या हमारा SP1 है, ये SP2 है, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0, 6 + 0, 200। तो हम देख रहे हैं तो CP और SP क्या है, बराबर है, तो ना तो कोई लाभ हुआ ना तो कोई हानि हुआ। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि दो वस्तुओं का जो खरीद मूल्य है वो समान है, और दोनों को एक को 40 उतनी कुछ प्रतिशत लाभ पे बेचा गया और दूसरे को उतनी ही प्रतिशत हानि पे बेची गई, मान लो किसी को X% लाभ पे बेचा गया और दूसरी वस्तु को X% हानि पे बेची गई, तो पूरे व्यापार में ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगा। ठीक है, आप इस प्रश्न को ऐसे याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि दो वस्तुओं को 600 रुपये में खरीदा जाता है। यहाँ भी खरीदने की बात हुई, कल के जितने प्रश्न हमने किए था वो विक्रय मूल्य पे आधारित थे, उनके प्रश्न लेंदी थे। ये जो क्रय मूल्य पे अगर प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में, तो आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही आसान होंगे। ठीक है, एक को 55% लाभ पर, दूसरे को 15% लाभ पर बेच दिया गया। ठीक है, दो वस्तुएं थी, दोनों को 600 रुपये में खरीदा गया, एक को 55% लाभ पर बेच दिया गया। ठीक है, एक वस्तु को क्या किया गया, एक वस्तु को 55% लाभ पर बेचा गया, दूसरे को 15%। पूछ रहा पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है,
तो इसके लिए कुछ नहीं करना, पूरे जो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा जो पहला लाभ है पी वन प्लस पी टू अपान टू प्रतिशत, ठीक इतने ही प्रतिशत का लाभ होगा, मतलब पहला लाभ प्लस दूसरा लाभ बटा दो कर देंगे तो 55 प्लस 15 बटा दो, ठीक इसको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 5 10, 5 1 6 1 7, 70/2, इसको 2 से काट देंगे हमारा आ जाएगा 35% का लाभ। तो पूरे व्यापार में कितना होगा, 35% का लाभ होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही लाभ हो रहे हैं तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह होगा। पहला जो फार्मूला हमारा लगा था, एक पे लाभ हो रहा था एक पे हानि, तो पी जो हानि था उसको माइनस एल बाई टू कर लेंगे, चाहे ऐसे लिखें चाहे पी प्लस माइनस एल बाई टू करें, ठीक है। जब लाभ हानि दोनों था तो ये फार्मूला लगा था, जब क्यों लाभ लाभ हो रहा था ये फार्मूला लग गया, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि दो वस्तुओं को 200-200 रुपए में खरीदा जाता है, ठीक है। दो वस्तुओं को क्या किया गया, 200-200 रुपए में खरीदा गया, यहाँ भी वस्तु का क्या है क्रय मूल्य समान, ठीक है, और दोनों को 30-30% लाभ पर बेच दिया गया, ठीक। तो ज्ञात कीजिए पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो पूरे व्यापार में क्या होगा 30% का लाभ होगा, ठीक है। दो वस्तुएं थी, दोनों को समान रेट पे खरीदा गया और उनको क्या कर दिया, समान प्रतिशत के लाभ पर बेच दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न में उतने ही प्रतिशत का लाभ होगा, ठीक है। पूरे व्यापार में कितना प्रतिशत का लाभ होगा, 30% का लाभ होगा, ठीक है। इस पे पेन चलाने की जरूरत नहीं, यदि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो सीधे हमें लिख देना है कि ठीक 30% का ही लाभ होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि दो वस्तुओं को 500-500 रुपए में खरीदा जाता है, एक को 40% की हानि पर, ठीक है, पहली वस्तु को क्या कर दिया गया 40% की हानि पर बेचा गया और दूसरे को क्या कर दिया गया 10% की हानि पर बेच दिया गया। एक वस्तु को 40% की हानि पर, L1 बराबर हो गया 40%, L2 लास्ट टू जो है हानि दूसरा है और 10% की हानि पर बेच दिया गया। पूछ रहा है पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत की हानि होगी, ठीक है, पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत की हानि होगी, तो हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हमारा, हानि प्रतिशत बराबर पहली हान L1, ठीक है, दूसरी हान L2 बाई 2, अर्थात क्या हो जाएगा हमारा 40 + 10/2 बराबर हो जाएगा हमारा 50/2, इसको हल करेंगे आ जाएगा हमारा 25%, यह क्या होगा 25% की हानि, ठीक है, हानि प्रतिशत बराबर हमारा निकल जाएगा 25%। तो पूरे व्यापार में क्या हुआ 25% की हमारी हानि हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न आपको पूछा, ये आपको प्रश्न दिया जाए कि उनका क्रय मूल्य दिया गया है, तो आपको प्रश्न को हल करने में क्या होगी आसानी हो जाएगी, उसके सीधे सीधे फार्मूले हैं। यदि आपको लाभ हो रहा है दोनों में तो दोनों लाभ को जोड़ के आप बटा दो कर दीजिए, हानि हो रही है पूरे दोनों वस्तुओं को बेचने पर, ठीक है, एक पे कुछ प्रतिशत की दूसरे पे कुछ, तो दोनों हानि प्रतिशत को आप जोड़ दीजिए बटा दो कर दीजिए, एक पे लाभ हो रहा है एक पे हानि हो रही है तो लाभ में से हानि घटा दीजिए पी माइनस एल कर दीजिए बटा दो कर दीजिए, इतने प्रतिशत क्या होगी हानि हो जाएगी, ठीक है। यदि दोनों को हानि पे ही बेचा गया समान हानि प्रतिशत पे तो समान हानि हो जाएगी, या दोनों को समान लाभ प्रतिशत पे बेचा गया समान लाभ हो जाएगा। तो क्रय मूल्य के जो प्रश्न होंगे वो काफी आसान होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि दो वस्तुओं को 800 800, यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ भी 800 होगा, ठीक है, 800 800 रुपए में खरीदा जाता है और दोनों को 20 20% की हानि पे बेच दिया गया। यहाँ क्या किया गया 20 20% की हानि पे बेच दिया गया, तो पूरे व्यापार पे कितने प्रतिशत की हानि होगी, तो 20% की होगी। अगर हल करना चाहे तो L1 L2 से कर लीजिए, ठीक है, हानि प्रतिशत बराबर L1 प्लस L2 बाई 2, तो 20 प्लस 20 बाई 2 कर देंगे तो हो जाएगा 40/2, हल करेंगे आ जाएगा 20%। तो यहाँ पे हल करेंगे तो भी वही आएगा, नहीं हल करेंगे तो हम सीधे सीधे आंसर क्या करेंगे वहीं से पुटअप कर लेंगे, ये दो वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो समान है और दोनों को यक्ष यक्ष प्रतिशत हानि पर बेचा गया, तो पूरे व्यापार में यक्ष प्रतिशत की क्या होगी हानि होगी, ठीक है। इस प्रकार के 5-6 प्रश्न बनते हैं, 5-6 प्रकार के प्रश्न बनते हैं जिनको हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अगले कुछ प्रकार के प्रश्नों को देखते हैं हम लोग
कि किसी वस्तु को जब 595 रुपए में बेचा जाता है, ठीक है, प्रश्न में कह रहा है कि एक वस्तु है जिसे 595 रुपए में क्या किया गया, बेचा गया, तो क्या हो गया, 15% की हानि हो गई, कितने पे बेचने पे 15% की हानि हो गई, ठीक। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए, 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में, कितने रुपए में बेचा जाए, ये प्रश्न है, ठीक। जिसे मान लेते हैं कि ये हमारा एक पैमाना है, यहाँ हमारा क्या है, ये हमारा 100%, ठीक। ऊपर जाएंगे तो प्रतिशत बढ़ेगा, ठीक है, ऊपर जाएंगे प्रतिशत बढ़ेगा, नीचे जाएंगे प्रतिशत घटेगा। प्रश्न ये कह रहा है कि किसी वस्तु को 595 रुपये में बेचा जाता तो 15% की हानि, यहाँ से 15 नीचे आएंगे तो क्या होगा, 85 आएगा, 100 से 15 घटाएंगे तो क्या आएगा, 85। कहने का मतलब जब वस्तु को 85% पर बेचा गया तो क्या उसका दाम क्या था, 595 रुपये। और प्रश्न कह रहा है कि 30% लाभ, यहाँ 100% है, यहाँ पे 30% का मतलब ये हो जाएगा कि 130%, ठीक, 130%। कह रहा है कि 130% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचा जाए, ठीक। आपको दिया है 85% बराबर 595 रुपये, पूछ रहा है कि 130% बराबर क्या, सीधे सीधे प्रश्न में यही बात है, ठीक है। प्रश्न में क्या है, एक बार फिर से समझते हैं, प्रश्न क्या है, कह रहा है कि जैसे कि कोई वस्तु, ठीक है, उसे 15% हानि पर बेचा गया, ये वस्तु है, ये क्या है, 100%, ठीक है। अगर वस्तु इतने पे बेचा जाता तो ना तो कोई लाभ होता ना तो कोई हानि होती, उसे 15% हानि पर बेचा गया तो कहने का मतलब उसे 85% पर बेचा गया, ठीक। तो 85% पर बेचने पर उस वस्तु का मूल्य कितना था, 595 रुपये, ठीक है, 595 रुपये उस वस्तु का मूल्य था। कह रहा 30% का लाभ लेकर गया बेचा गया, 100 में 30 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 130%। 30% लाभ लेकर बेचने पर उस वस्तु का मूल्य क्या होगा, तो प्रश्न में दिया गया है कि 85% बराबर 595 रुपये, ठीक। तो 1% बराबर क्या होगा, 595/85 रुपये, यही तो हुआ। तो 130% बराबर, 30% का लाभ लेगा तो 130% हो जाएगा ना, बराबर क्या होगा, 595/85 गुड़े 130, ठीक है, गुड़े 130 रुपया। अब इसी को हम लोग हल करेंगे तो हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। इसी को हल करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, इसको 5 से काटेंगे तो ये जाएगा 17 बार, 17×5=85, और 5 से इसको काटेंगे तो ये जाएगा 5×5=5, 5×5=5, 9×45, 17 से फिर इसे काटेंगे ये जाएगा कितना बार, 17×6=17, 17×5=19, 13×7। अगला स्टेप हो जाएगा 130×7, इसको आपस में गुणा करेंगे 0×13=91, ठीक है, 13×91। कहने का मतलब यदि हमको 30% लाभ लेना होता तो वस्तु को कितने में बेचना होता, वस्तु को बेचना होता हमें 910 रुपये, ठीक है। 30% लाभ लेने के लिए वस्तु को कितने में बेचना होगा, 910 रुपये में, ठीक है। हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, बस इतना किया कि हमने मान लिया कि 100% ये था, 100% पर कोई लाभ हानि नहीं होती, जब 15% की हानि पे बेची जा रही वस्तु तो वो बेची जाए कितनी, 85% पर, और उसको बेचना कितना है, 30% लाभ पर, 100 में 30 जोड़ देंगे 130%, 85% का मान दिया था कितना, 595, उसके आधार पर हमने 130% का मान निकाल लिया, ठीक है, बस इतना हुआ है। और इसी प्रकार से आप इसको हल करेंगे तो ये प्रश्न जल्दी से हल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है किसी वस्तु को जब 780 रुपये में बेचा जाता है तो 30% का लाभ होता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है प्रश्न, फिर एक सारणी बना लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि ये मान लेते हैं 100%,
अब प्रश्न कह रहा है कि यदि वस्तु को 780 रुपए में बेचा जाता है तो 30% का लाभ होगा। 30% का मतलब ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ पे मान लेते आ जाता है 30%। 30 का मतलब 100 में 30 जोड़ेंगे 130%। 130% बराबर हो जाएगा 780 रुपए। 780 में बेचा गया तो 30% का लाभ हो गया। कह रहा है कि यदि वस्तु को 480 में बेचा जाता तो कितने प्रतिशत का लाभ होता। ठीक है, 480 में बेचा जाए कितने प्रतिशत का लाभ होता। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे हम, जैसा प्रश्न में कहा है वैसे करते चले जाइए। 780 रुपया बराबर क्या दिया है प्रश्न में, 780 रुपया बराबर दिया है 30% का लाभ, मतलब 130%। पूछ रहा है कि 480 में बेचा जाता तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती। तो 480 इसको निकालने के पहले क्या कर लेते हैं, 1% बराबर कर लें। ठीक है, इसको तो 1 रुपया बराबर क्या हो जाएगा, 130 अपान 780%। ठीक है, ये स्टेप क्या करना आपको अपने मन में करना, लिखना नहीं, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ। 1 रुपया बराबर हो जाएगा 130 अपान 780%। तो 480 रुपया में अगर बेचा जाता है वस्तु को, 480 में बेचा जाता है तब क्या हो जाएगा, 130 अपान 780 गुणे 480। इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, 0 से 0 काटेंगे, 13 से काटेंगे 13 6 78 6 बार जाएगा, 6 से काटेंगे 6 7 6 48 8 बार जाएगा 80%। ठीक है, तो 480 रुपया बराबर क्या हो जाएगा, 80%। 80% कहाँ आ रहा है, 100 कहाँ है, ये है 100 पे क्या होता है, ना तो लाभ होता ना तो हानि, 0 होता है। 80 कहाँ है, इसी के नीचे आ जाएगा 80%। 80% का मतलब हो गया कि 20% की कमी। तो जब यदि वस्तु को 480 में बेचा जाएगा तो 20% का क्या होगा, 20% का घाटा होगा। ठीक है, 20% का घाटा या 20% की हानि होगी। तो इस प्रकार यदि प्रश्न में आपको मूल्य दिया है, ठीक है, और 1% दिया है, दूसरा मूल्य दिया उससे पूछ रहा है कितने प्रतिशत का लाभ यहाँ होगा, वो भी आप निकाल सकते हैं। यदि प्रतिशत दिया है तो उससे आप उसका मूल्य भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इन दो प्रश्नों में हमने यही सीखा। अगला एक प्रश्न और देखते हैं कि किसी वस्तु को 7.5% मतलब 7.5% हानि पर बेचा जाता है, यदि यहां से नहीं होगा, यदि उसे 180 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा गया होता तो 12.5% का लाभ हो जाता। ठीक है, तो इसमें दो प्रश्न पूछा है कि इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है और 40% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे वस्तु कितने रुपए में बेचा जाए। तो एक बार फिर से हम ग्राफ से देख लेते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ हम मान लेते हैं 100%। प्रश्न पहले कह रहा है कि 7.5% हानि पर बेचा गया। ठीक है, 7.5 मतलब 100 में से 5.5 घटा देंगे हम लोग। ठीक है, 100 में से क्या करेंगे, 5.5 घटा देंगे, 5.5 घटाएंगे यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 9, 9 में से 7 के 2। ठीक, 9 मतलब 5.5 घटाने मतलब ये जाएगा कितना, 92.5% पे बेचा गया। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि इसको 180 रुपया अधिक में बेचा गया होता तो ये क्या करता, 12.5% लाभ देता। ठीक है, 12.5% लाभ देता है, मतलब 100 में 12.5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 112.5%। ठीक है, लेकिन इतना लाभ प्राप्त करने के लिए कितना रुपए अधिक में बेचा गया, 180 रुपये। कहने का मतलब इनके दोनों बीच का जो अंतर है वह 180 रुपये के बराबर है। ठीक है, 112.5 और 92.5 के बीच में जितने प्रतिशत का अंतर है, जितने प्रतिशत का अंतर है वह 180 रुपये के बराबर है। तो कितने प्रतिशत का अंतर है, ठीक है, कितने प्रतिशत का अंतर है, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 12.5 और 7.5 को आपस में जोड़ देंगे। 12.5 प्लस क्या कर देंगे, 7.5, इसको जोड़ेंगे आ जाएगा 5 5 10, 7 2 1 10 1 2। कहने के मतलब 20% बराबर क्या दिया गया है, 20% बराबर
दिया गया है 180 रुपये, ठीक 180 रुपये, क्योंकि यहाँ प्रतिशत में कितने का अंतर है, यहाँ प्रतिशत में अंतर है 20 का, रुपए में कितना अंतर है 180 का, मतलब 20% बराबर 180 रुपया। तो प्रश्न पूछ रहा है कि इस वस्तु का क्रय मूल्य मतलब 100% बराबर कितना है, तो 20% बराबर यदि 180 रुपया, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 180/20, ठीक रुपया, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180/20 × 100। इसको हल करेंगे, 20 से काटेंगे, ये कितनी बार जाएगा, 20 × 5 = 100, 18 से 5 में गुणा करेंगे ये जाएगा 0, 18 × 5 = 90, ठीक है। तो उसका जो क्रय मूल्य है वो क्या है, 900 रुपये, ठीक है। उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है कितना हो जाएगा, 900 रुपये। सीपी बराबर हमारा आ गया 900 रुपये, ये पहले प्रश्न का आंसर हो गया, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना। अब दूसरा ये पूछ रहा है कि 40% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने में बेचा जाए, 40% का मतलब 100 में 40 जोड़ दीजिए 140, तो 20% बराबर दिया है प्रश्न में, 20% बराबर दिया है प्रश्न में 180 रुपये, और 40% लाभ प्राप्त करना है तो मतलब 100 में 40 जोड़ देना 140% पूछ रहा है, तो 140% बराबर क्या हो जाएगा, 180/20 × 140, 20 से इसको काटेंगे तो 20 जाएगा कितनी बार, 9 बार, ठीक है। और 14 से 140 का 9 में गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 14 9 अगर करेंगे 14 9 आ जाएगा हमारा 126, ठीक है। 40% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा, 1260 रुपये में, ठीक है। तो 1260 रुपये में अगर हम बेचेंगे तो हमें क्या होगा, 40% का लाभ होगा। यदि आपको यह प्रश्न समझ नहीं आया तो एक बार और देख लीजिए, ठीक है, आपको भी पूरा समझ में आ जाएगा। प्रश्न में क्या कह रहा है कि प्रश्न कह रहा है कि कोई वस्तु है उसे 7.5% हानि पर बेची गई, ठीक है, 7.5% हान पर बेची गई। यहाँ मान लेते हैं 100% है, 7.5% हान पर बेची गई, कहने का मतलब ये -7.5% पर बेची गई, -7.5% बेची गई। कह रहा है कि यदि इसको 180 रुपया अधिक में बेचा गया होता, ठीक है, 180 रुपया अधिक में बेचा गया होता तो ये कितने में बिकती, तो इसे 12.5% लाभ मिलता, +12.5% लाभ मिलता। तो कहने का मतलब क्या है, इनके बीच का जो अंतर है यही तो 180 रुपये के बराबर है, इनके बीच कितना अंतर है, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 12 इधर यहाँ से 12 चढ़ा है, यहाँ 7.5 घटा है, तो 12.5 + 7.5 जोड़ देंगे तो पूरा आ जाएगा कितनी कितना अंतर है, तो 12.5 और 7.5 हमने जोड़ लिया, 12.5 + 7.5 जब हमने जोड़ा तो आ जाएगा 0.02, 20% के बराबर आ जाएगा। तो प्रश्न में दिया गया है कि 20% बराबर 180 रुपये। पूछ रहा है उसका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब क्या हो जाएगा, 100%, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100% बराबर हमारा हो जाएगा 180/20 × 100, 20 काटेंगे तो 20 जाएगा कितनी बार, 9 बार, 9 का 100 में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 900 रुपये। ये क्या है, पहले प्रश्न का हल, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 900 रुपये। पूछ रहा है कि 40% लाभ पर बेचा जाए तो 100 में क्या कर देंगे, 40 जोड़ देंगे, मतलब 140%, तो ये 40% लाभ पे बेचा जाएगा। तो पूछ रहा है यदि बस को 40% लाभ पे बेचा जाए तो उसका दाम क्या होगा, तो 20% बराबर दिया है कितना, 180 रुपये, तो 140% बराबर क्या हो जाएगा, 180 बटा 20
गुणे 140, इसको हल करेंगे ये जाएगा 9 बार, 9 का 14 में गुणा करेंगे आ जाएगा 14 में 126, 0 रुपये। ये हो जाएगा हमारा दूसरे का आंसर। यदि उसे 40% लाभ पे बेचा जाएगा तो वस्तुविक्री की 1260 रुपये। एक और प्रश्न देखते हैं हम लोग कि जे एक दुकानदार जब 15 रुपये में 4 संतरे की दर पे संतरे बेचता है, ठीक है, कह रहा है एक दुकानदार जब 15 रुपये में 4 संतरे की दर पे संतरे बेचता है तो उसे 10% की हानि होता है, ठीक है, 10% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। वह संतरे को किस दर से बेचे कि उसे 25% का लाभ हो, ठीक, वह संतरे को किस दर से बेचे तो क्या होगा 25% का लाभ हो। प्रश्न में दिया गया है 4 संतरे का दाम बराबर, 4 संतरे का दाम बराबर 15 रुपये। अगर हम एक संतरे का दाम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक संतरे का दाम बराबर हमारा हो जाएगा 15/4 रुपये, ठीक। जब इतने पे एक संतरा बेचा जा रहा है तो हमें कितने का घाटा हो रहा है, 10%। अब घाटा कितना हो रहा है, इस समय क्या हो रहा है, 10% की हानि हो रही है। कहने का मतलब 90% बराबर बराबर 15/4 रुपया। तब पहले जैसा क्वेश्चन ये बन गया, जैसे इसे पहले हम लोग प्रश्न कर रहे थे वैसा ही बन गया ये भी। तो पूछ रहा कि 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा, ठीक है, 90% बराबर 15/4 रुपये, 1% बराबर, 1% बराबर हो जाएगा हमारा 15/4, ठीक है, गुणे 90। जैसे अगर हम इसके बटा 90 करेंगे तो इसी में हो जाएगा, तो गुणे हो जाएगा 90। कहने का मतलब यह है कि जैसे 15/4 लिखा है तो अगर 1% निकालेंगे तो इसके नीचे 90 लिखेंगे, तो 90 के नीचे क्या करेंगे, 1 रखेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, तो इसको सीधे सीधे लिखा जाएगा 15/4 × 90, ठीक है। तो 1% बराबर 15/4 × 90, तो 125% बराबर, तो क्योंकि 125% लाभ लेना है, 125% बराबर हमारा हो जाएगा 15/4 × 90, फिर आप ऊपर क्या गुणा हो जाएगा 125, इसको जब हम काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसको काटिए 5 से काटेंगे ये जाएगा 5×5 और 8 बार 18×5 90 होता है, इसको काटेंगे ये जाएगा 5×2 10 और 5×5 25, कुछ और कटेगा 3 से काटेंगे ये जाएगा 3×6 18, ठीक है, और जाएगा 3×5 15, ठीक है। अब इसमें कुछ कटेगा नहीं, 25 का इसमें गुणा करेंगे हो जाएगा हमारा 25×5 125 बटा, यहाँ 6 बचा है, यहाँ 4 है, 6×4 = 24, 6×4 = 24। यहाँ क्या था, ये ऊपर जो हमारा था ये रुपया था, ठीक, ऊपर क्या था, ये रुपया था, ये संतरे थे, 4 रुपए में 15 संतरे थे ना, 4 संतरे के दाम 15 रुपए था ना, तो जब एक संतरे निकाला तो ऊपर क्या था, ऊपर रुपया था, नीचे क्या था हमारा संतरा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर क्या है रुपया, नीचे हमारा क्या हो जाएगा, ये संतरे, नीचे क्या हो जाएंगे हमारे संतरे। कहने का मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा, 125 रुपए में 24 संतरे बेचने पड़ेंगे, ठीक है, 125 रुपए में 24 संतरे जब हम बेचेंगे तब हमें क्या होगा 25% का लाभ, ठीक। इस प्रश्न को हल करने के लिए कुछ नहीं करना है, जैसा प्रश्न में कहा वैसे आप लिखते जाइए। कहा था प्रश्न में कि एक दुकानदार जब 15 रुपए में 4 संतरे बेचता है तो 10% की हानि होती है, हमने क्या है 4 संतरे का दाम निकाल बता था हमें 15 रुपए, 1 संतरे का दाम हमने निकाल लिया 15/4 रुपए। इस कंडीशन पे जब 15/4 रुपए में वो बेच रहा था तो 10% की हानि हो रही थी, तो 90% बराबर क्या हो जाएगा, 100 में से 10 घटाएंगे हम लोग, 100 - 10 तो आ जाएगा 90%, तो 90% का मान दिया 15/4 रुपए, ठीक है, 1% बराबर 15/4 × 90, 125% बराबर क्या होगा, इसी को सॉल्व कर लेंगे तो ऊपर जो आएगा वो हमारा रुपया हो जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारा संतरा, मतलब 24 संतरे को जब 125 रुपए में हम लोग बेचेंगे तो हमें 25% का लाभ होगा, ठीक है। इस प्रकार आज हम लोगों ने कुल 10 प्रश्न देखे, और अब आपके लिए जो 10 प्रश्न है हम आपको घर पे करने के लिए दे रहे हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर उसको हल करके उसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में
दीजिएगा, बाकी उन प्रश्नों को कल हम लोग हल करेंगे। पहला प्रश्न है, एक दुकानदार जब 1 रुपये में 15 बटन की दर से बटन बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए बटन को किस दर से बेचेगा। ठीक है, इस प्रकार आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए और कल इसको हल करके दिखाइएगा। और आप लोगों से निवेदन है, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे यहाँ पे लोगों की संख्या बढ़े और हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा। और साथ साथ आप कमेंट जरूर क्या करिए, जिससे क्या होता है कि हम भी अपनी गलतियों को समझ पाते हैं और उसमें सुधार लाते हैं। ठीक, तो ये हो गए 9 क्वेश्चन, ये एक आखिरी क्वेश्चन। आप इन सभी प्रश्नों को क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे और उसके बाद क्या हल करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा आंसर। कल इन प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। आज विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।